आज का महानगर में आपका स्वागत है। मुंबई के मीरा रोड से एक खबर सामने आई है। यहाँ पर क्रिश्चियन समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम में बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया। आरोप था कि यहाँ पर पालघर से हिंदू आदिवासी लोगों को लालच देकर लाया जा रहा है और उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हम आपको सारे वीडियोस दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर बहसबाजी हुई। बाद में पुलिस ने कुछ आयोजकों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की है, ऐसा बताया जा रहा है, परंतु निश्चित तौर पर क्या कार्रवाई हुई है ये पता नहीं चल सका है। देखिए वीडियोस। उसमें सर आपको क्या तकलीफ है? आप लगे भाई। मेरा नाम एपीआई प्रवीण भोसले जी सर। मेरा नाम क्या है? एपीआई प्रवीण भोसले। मैं खुद सातारा से हूँ, शिवाजी महाराज के पावन भूमि से हूँ मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की हमारा कार्यक्रम होता है, कोई भी पब्लिक आए, कोई भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा कार्यक्रम होता है, कोई भी पब्लिक आए, कोई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर चलेंगे हम लोग, सर के घर से बाहर चलेंगे। यहाँ क्या है, नहीं मिल रहा है, हम फिर अपने तरीके से करेंगे। क्या करना है, बजरंग दल अपने क्या है सब कुछ होता है। पुलिस प्रशासन इतना बड़ा काम कैसे करने दे रही है, धर्मांतरण कैसे करने दे रही है? कौन है, कौन है, कौन है? क्या धक्के लोगों को बाहर ले लो पहले। कार्यक्रम चालू नहीं होना चाहिए। बुला सब, बुला 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 सब, कोई बाहर नहीं जाएगा अभी, कोई बाहर नहीं जाएगा। मुझे एक बात बताओ, पुलिस ने पहले कैसे दिया? चल रहा है सर, चल रहा है।
वोटर का मतलब क्या है? क्या है होली वोटर में क्या करते हैं वो? क्या करते हैं सबके साथ हिंदू नाम है, ये क्या पैदाइशी क्या 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 करते हैं? क्या करता है बताओ मेरे को, क्या हो रहा है धर्मांतरण का? प्रोसेस सर, प्रोसेस मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ सर धर्मांतरण का। देखने से पहले मुझे अभी आया हूँ, अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ क्या है। पुलिस ने इंक्वायरी कर दिया, पुलिस लोगों को यहाँ पे शादी से खड़ा था। क्या बोलो, हमने क्या बोला आपके आने के पहले? आपको बोला हम उसे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तब तक तुम्हारे लोग इधर मुझे बताओ, अगर किसी तुम्हारे लोग शांति से उधर खड़े रहेंगे। एक मिनट, खाली एक क्वेश्चन, ठीक है? मेरे जो ऑनर है ना, आप उनसे बात करो। ऑनर किस चीज़ के? मेरे जो जगदीश सर है। कहाँ के? अभी याद है वो भी ओके चलेगा, कब तक तुम्हारे लोग? मैं एग्री करता हूँ, सब यहाँ पे हिंदू है, सबके सब हिंदू है। मैं एग्री हूँ, आने के पहले मैं क्या बोला, सर जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या होता है सर, पुलिस अगर कोई चीज की परमिशन दे रही है, पुलिस धर्मांतरण परमिशन देते हैं क्या? कैसे हो रही है? अब तुम हमको वापस सभा की तुम परमिशन मांगते हो, सभा में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। समाज का जब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, हर काम का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, हमारा कार्यक्रम होता है वीडियो रिकॉर्डिंग होता है प्रॉपर। यहाँ पे सीसीटीवी लगा है क्या? हमारा हर एक कार्यक्रम का पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं चेक कर रहा हूँ मैं अभी आया ना। ठीक है, चेक कीजिए सर, ये सब चाहिए, क्या कहते हैं इसको बोलने दो, फिर आप करिए। मैंने सरोदय सर है, मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर, इन्होंने बोला वैसे मैं एग्री भी हुआ। ये सब चीजें सर ने जैसा बोला तुम्हारा, तब तक कोई आवाज नहीं करेगा सर, कुछ जा रहे साइड में। और सुनो, एसीपी सर है, ये अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, क्या है वो देख के मैं बता रहा हूँ। लोग हाथ पकड़ के साइड में, कोई बात साइड में होकर अननोन है, सब लोग साइड में खड़े रहो, जब तक सर नहीं बोलेंगे हम लोग कोई जा रहे हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारे लेडीज दिख रहे हैं, एजेड पर्सन दिख रहे हैं, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, आप नहीं होगा साइड में छाव में खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए आप कल एक बार देख लीजिए क्या है विपिन जी। आज जो आप यहाँ पे जमा हुए हैं इसके स्टोन के पीछे जो मैदान जिसमें हॉल बनाया, क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, अगर कोई प्रार्थना और कोई प्रेयर होता है तो ओपन टू ऑल होता है, उसमें हर एक व्यक्ति को आने का अधिकार है, वो कोई किसी का व्यक्तिगत या पर्सनल कार्यक्रम नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ओपन टू ऑल। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे ये धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे, वो भी मीरा रोड पुलिस के संरक्षण में, पुलिस को नहीं पता कि यहाँ कार्यक्रम किस चीज़ को आ रहा है, अगर हमने उसको बताया तो उसका वेरीफाई करना चाहिए एसीपी सर को, एसीपी सर पूरा इसको संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में धर्मांतरण का कार्यक्रम खुलेआम चल रहा है, जिसमें जवार से, विक्रमगढ़ से, बाहर से गोर गरीब हिंदू बुलाए जाते हैं, जिसको पैसों की लालच दी जाती है, जिसको राशन के नाम राशन दे के परिवर्तन कराया जाता है। इतने गरीब लोग दूर दूर से बुलाएंगे, बाहर बाहर से, गांव से, और यहाँ पे बाकायदे बाथ टब रखा हुआ है जिसमें होली वाटर के नाम पे लोग करते हैं, उसमें नहलाना मतलब जैसे कि आप धर्म परिवर्तन हो गए, आपके सारे पाप धुल गए और आप आज से एकदम चंगा हो जाओगे, ये कार्यक्रम एकदम खुलेआम में कर रहे हैं। सर, आपको ये कब मालूम पड़ा कि ये लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? ये इनका 3 दिन का कार्यक्रम था, कल हमारे जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को पता चला कि ऐसा ऐसा विषय यहाँ धर्म जागरण को पता चला कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो लोग कल 2 जन आए यहाँ पे, बात किए सिक्योरिटी से, बट उनको अंदर जाने नहीं मिला। नहीं जाने का कारण कि आपके पास में कोई कार्ड है क्या, आपको किसने भेजा उसका रेफरेंस दो, उनका रेफरेंस आईडी दो, इसका मतलब कि नेक्सस कितना बड़ा चल रहा है कि विदाउट किसी के रेफरेंस के आप अंदर नहीं जा सकते। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन करना है, आपको किस बंदे ने भेजा उसका मतलब नाम, टोकन सिस्टम से यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। ये भाई साहब खुद आए थे कल सुबह यहाँ पे, क्या हुआ था, स्कैनिंग हुई, हमारे कार्यकर्ता आए थे दोनों, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, वो बोल दो बोली। कल हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे अंदर जाने के लिए, हमको पता चला यहाँ पे धर्म जागरण का काम हो रहा है, धर्मांतरण का काम हो रहा है, तो यहाँ पे अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि यहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रहे। फिर आज मैं खुद सुबह आया था करीबन 9:30-10 बजे, तो यहाँ पे मुझे रोका गया, बोला गया कि आपको क्या करना है, बोला मुझे अंदर प्रार्थना सुनना है, मुझे क्रिश्चियन बनना है। नहीं बोले आप किसके थ्रू आए, फ़ोन लगा के दो, रेफरेंस दो किसके, मतलब यहाँ पे इनके एजेंट्स हैं, वो एजेंट के थ्रू आप रहोगे तो ही आप अंदर जा पाओगे, नहीं तो आपको किसी को अंदर एंट्री नहीं है। हमारा कहना यही है कि अगर हमारे हिंदू धर्म, अभी जैसे राम भद्राचार्य जी का यहाँ पे प्रोग्राम था, बहुत सारे प्रोग्राम में यहाँ बागेश्वर हमारे जाए थे, किसी को भी अंदर एंट्री है, बट इनके प्रोग्राम में आप अंदर जाने नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे रोक रहे हो, फिर अंदर एक और गेट है वहाँ पे रख रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब वो बाटा अंदर क्यों रखा है,
बाटक तब रखा जाता था जब आप धर्मांतरण करते हो। यहाँ पे सुबह आप जब सुबह कितने कितना क्राउड है यहाँ पे, बस भर भर के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमको मदद नहीं कर रही, हमको अंदर जाने नहीं दे रही है, पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा रिकॉर्ड कुछ नहीं, मतलब सुनवाई नहीं है, सिर्फ उनका ज्यादा यहाँ पे सुनवाई हो रही है। हिंदू समाज का जब भी कोई कार्यक्रम होता है पुलिस स्टार्ट टू एंड उसको वीडियो रिकॉर्डिंग में काम करती है, लेकिन आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा धर्मांतरण का कार्यक्रम, हजारों लोगों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तीन दिन से पुलिस का जीरो टू स्टार्ट, एक भी एक सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है और कितने लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, हम लोग इधर जमा हुआ हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है, कल हो गया तो कल उठाने के लिए। अगर पुलिस प्रशासन इसको बंद नहीं कराती है, सकल हिंदू समाज रोड पे उतर के इस कार्यक्रम को बंद कराएगा, चाहे पुलिस को जो करना है वो करे। फिर जय श्री राम। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के एरिया में एक धार्मिक कार्यक्रम चालू है, कल से तीन दिन का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ऐसा कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था। उस कंप्लेन के आधार पे हमने इंक्वायरी चालू की है, और ऐसा कुछ है कि नहीं वो देख रहे हैं इंक्वायरी में। सर आरोप ऐसा बजरंगल आरोप लगा रहे हैं कि जवाहर मुखाड़ा अहमदनगर से एरिया से लोगों को लाया गया, हमको कुछ पैसे प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराया जाए, आपकी जाँच अभी तक ऐसा कुछ नहीं? अभी तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, अभी जाँच शुरू है, जाँच के बाद पता चलेगा क्या है। मीरा रोडला कालपासून एक धार्मिक कार्यक्रम सुरू आहे एका समुदायाचा, आणि त्या धार्मिक कार्यक्रमामध्ये धर्म परिवर्तन केलं जात आहे असं काही लोकांनी तक्रार केलेली होती, तर त्या तक्रारीची आपण दखल घेतलेली आहे। कार्यक्रम पण शांततेत सुरळीत पार पडलेला आहे, आणि त्यांच्या तक्रारीची पण शहानिशा आता पोलीस स्टेशनमध्ये सुरू आहे। नेमकं काय कार्यक्रम होता, कोणत्या धर्माचा होता, काय सांगाल? धार्मिक ख्रिश्चन धर्माचा धार्मिक कार्यक्रम होता, आणि त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांचं विविध कार्यक्रमाची रूपरेषा त्यांनी ऑलरेडी पोलीस स्टेशनला कळवलेली आहे, परमिशन घेतलेली आहे त्या कार्यक्रमाची, आणि कार्यक्रम आता उद्या शेवटचा दिवस आहे। काही जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे, नेमकं काय कारण समजू शकेल? काही लोकांना आपण चौकशीसाठी बोलवलं, ताब्यात घेतलं असं नाही म्हणतात, चौकशीसाठी बोलवलं आहे, आणि यामध्ये धार्मिक किंवा धर्मांतरण केलेलं आहे का, त्यात जबरदस्ती झालेली आहे किंवा काही प्रलोभन दाखवलं आहे का, अशा तक्रारी आहेत, त्याबाबत फक्त आपण चौकशी करतो आहे।